ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली अ चार्ज असाइंड ऑन एनी एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन कि वो एलिमेंट किसके साथ कंबाइन होके बॉन्ड बनाने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक वैलेंसी की तरह होता है, लेकिन वैलेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप देखते हो अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 2 भी दिखाते हैं, 4, 5, 6, 7, तो मैग्नीज के इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये इतने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का कारण, आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि डी ब्लॉक से ज्यादा वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको किसी ब्लॉक में देखने को मिलेगी नहीं। दिस इज हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है वो डी ब्लॉक शो करता है, और इसके शो करने का कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनएस एंड N-1 डी ऑर्बिटल। अब क्योंकि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वैलेंस शेल के अंदर दो चीज़ें यूज होती हैं, एक तो एस और दूसरा क्या उसके साथ चलेगा डी, तो आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दो ऑर्बिटल्स काम करते हैं, और यहाँ पर हमें पता है कि एस और डी जो दोनों एक साथ आते हैं उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, देयर इज स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रॉन एस में से भी निकालते हैं और डी में से भी, मतलब बेसिकली बॉन्ड बनाने के लिए एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंगनीज पे ही आ जाओ, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, दिस इज 4s2 and 3d5। अब 4s2 और 3d5, तो यहाँ एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। सबसे पहले हम मैंगनीज के दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो 4s में से निकलेंगे, तो अब यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो जो हमने 4s में से निकाल दिए। अब 4s के बाद आप चाहो तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि मैंगनीज पहले प्लस 2 शो करता था, तो प्लस 2 शो करेगा तो 4s0 3d5 हो गया, लेकिन अगर यही मैंगनीज प्लस 3 शो कर रहा है तो 4s में से 2 निकालेगा और 3d में से 1 निकालेगा, तो 3d4 हो गया। मैंगनीज अगर प्लस 4 शो करना चाहता है तो 2 इसके यूज करेगा, 2 इसके यूज करेगा, तो 4s0 हो गया और 3d कितना हो गया, 3। अब अगर मैंगनीज शो करेगा प्लस 5, तो प्लस 5 में 2 इसके हो गए और 3 इसके, सो बेसिकली दिस इज 3d2 और ये हो गया आपका 4s0। तो इसी तरह से ये 6 भी शो कर सकता है, 6 शो करेगा तो 2 इसके और 5 इसके, तो यहाँ पर अगर मैंगनीज प्लस 6 शो करता है तो 2 इसके यूज कर लिए हमने, 4 इसके यूज कर लिए, तो 4s0 हो गया, और अब यहाँ 3d में कितना बचा, ओनली 1। और अगर यही 7 यूज करता है, Mn अगर प्लस 7 दिखाता है तो प्लस 7 दिखाने का मतलब S के कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, 2, और D के कितने यूज कर लिए इसने, 5 पूरे यूज कर लिए, तो पूरा खाली हो गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की वजह है उसका एस ऑर्बिटल और उसका डी ऑर्बिटल, बिकॉज बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में एस भी पार्टिसिपेट कर रहा है और डी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लूं तो कितना आएगा, 7। तो आप सीधा सीधा यहाँ से एक चीज बोल सकते हो, टोटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में एक एलिमेंट के पास जितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो मैंगनीज का टोटल कितना है, 5 और 2, 7, तो मैंगनीज हाईएस्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 7। बाकी आपको ऑक्सीडेशन, अच्छा चलो एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हुआ कि डी ब्लॉक सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी दिखाता है। वेरिएबिलिटी दिखाने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर वैलेंस शेल में दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एस और डी, और क्योंकि एस और डी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के बाकी यहाँ जितने एलिमेंट हैं वो सब प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑल एलिमेंट्स शोज प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
जैसे स्कैंडियम ले लो, स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1। अगर मैं स्कैंडियम को +2 में भेजती हूँ तो ये 3d1 रखेगा, और 3d1 इसका कोई खास स्टेबल है नहीं, तो इसीलिए ये 3d1 रखना पसंद नहीं करता। ये सीधा कितने इलेक्ट्रॉन निकालता, 3, 2 इसके 1 इसका। तो इसमें स्कैंडियम में आपको +2 देखने को नहीं मिलता, ये सीधा आप देखोगे कि स्कैंडियम +3 में ही एग्जिस्ट करता है। ये एक पॉइंट नोट करना है आपको। तीसरा पॉइंट, यहाँ जो मेन आपकी सीरीज है वो 3D सीरीज है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो 3D सीरीज में स्कैंडियम विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन शो +2। वो +2 के अलावा भी सब कुछ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एलिमेंट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई भी एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, देन इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब ये भी आपको याद रखना है, अगर जिस एलिमेंट के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कोई भी एलिमेंट अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड कौन सा बनाएगा, आयनिक। लेकिन अगर वो +2 से ज्यादा, जैसे 2 या 3 भी शो कर सकता है। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आप देखो होता क्या है, आयनिक में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरा वाला गेन। तो आप लॉस कितने कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 लॉस कर दो, 3 लॉस कर दो, तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन कोई 4 लॉस करे, 5 लॉस करे, 6 लॉस करे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है जो हम दे नहीं पाते एलिमेंट को। तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे या +3, 2 या 3 में आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो उस केस में वो बॉन्ड कौन सा बनाने वाला है, कोवलेंट। इफ ग्रेटर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एनी एलिमेंट एग्जिबिट, देन इट फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो कोवलेंट। तो अब यहां से 3 पॉइंट हो गए, सारे एलिमेंट स्कैंडियम को छोड़ के +2 दिखा सकते हैं, स्कैंडियम +3 दिखाता है। दूसरा पॉइंट, जो भी एलिमेंट +2 दिखा रहा है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 2 या 3 दिखा रहा है तो आयनिक बॉन्ड है, और अगर 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8 कुछ दिखा रहा है, तो उस केस में वो बॉन्ड कैसा बनाने वाला है, कोवलेंट। क्योंकि ज्यादा, अगर मान लो यहाँ पे मैं 4 एलिमेंट बॉन्ड करवाती हूँ, मतलब मैंगनीज अगर मान लो 4 या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि यहाँ पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। अब 5 इलेक्ट्रॉन ये पूरे 5 डोनेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए उस केस में, तो उतनी एनर्जी हम इसको सप्लाई नहीं करवा पाएंगे। इसलिए अपने 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसके साथ क्या करेगा, ये पेयर करवा लेगा, और उस केस में बॉन्ड कैसा बनेगा हमारा, कोवलेंट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हो गए। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ एनी एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे मैंगनीज है, अगर मैंगनीज को +7 दिखाना है, मैंगनीज अगर +7 दिखाता है, तो उस केस में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही दिखा सकता है। आप जैसे कि मान लो हमारे पास जो है मैंगनीज के अलावा कोई और एलिमेंट, आप क्रोमियम देख सकते हो, या जैसे मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, या इसके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे वेनेडियम हो गया, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो गई, वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई। तो जैसे मैंगनीज को अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है, तो एक इसका आयनिक स्टेट है MnO4-। इसके अलावा जैसे आप ले सकते हो V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब मैंगनीज और वेनेडियम देखो, यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +5 आएगा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आएगा। तो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। वेनेडियम की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, इससे ज्यादा नहीं दिखाता है।
अब वैनेडियम प्लस फाइव किसके साथ दिखा रहा है? ऑक्सीजन के साथ दिखा रहा है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज्ड ओनली बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत होती है, जिसमें दो ही नाम आते हैं, या तो ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो ये याद रखना है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको स्टेबलाइज या तो ऑक्सीजन कर सकता है या फिर कौन कर सकता है, फ्लोरीन। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एलिमेंट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये फिफ्थ पॉइंट है, नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट। अब सिक्स पॉइंट में आपको बोला जाता है दैट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज बाय हैवियर एलिमेंट्स एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल स्टेबलाइज बाय लाइटर एलिमेंट्स। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट काफी हाई है तो वो हैवियर एलिमेंट्स में ज्यादा स्टेबल होगी, जैसे कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। इसमें आ जाओ, क्रोमियम के पास होता है 4s1 3d5, और आप नीचे जाओगे तो ये सेम 5s1 और ये हो गया हमारा 4d5। तो अब आप ऐसे नीचे चल रहे हो, ये क्रोमियम वाली सीरीज है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छे हैं? तो डी और एस दोनों के मिला दो तो प्लस सिक्स आएगा। तो प्लस सिक्स का मतलब यहाँ पर इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? प्लस सिक्स। अब क्रोमियम भी सिक्स में है, मॉलिब्डेनम भी सिक्स में है, टंगस्टन भी सिक्स में है। अब सिक्स में तो सारे ही है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इन तीनों में प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाले एलिमेंट में है, तो हम बोलेंगे वो टंगस्टन में सबसे ज्यादा स्टेबल है। टंगस्टन प्लस सिक्स इज मोर स्टेबल देन मॉलिब्डेनम एंड मॉलिब्डेनम इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज कर पाता है? हैवियर एलिमेंट ज्यादा स्टेबलाइज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू लाइटर एलिमेंट। अब क्रोमाटन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन वाली सीरीज में जैसे ही आप चलोगे नीचे की तरफ क्या होता है, मास बढ़ता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा हैवी कौन है? टंगस्टन हैवी है, दिखा तीनों रहे हैं प्लस सिक्स, लेकिन सबसे ज्यादा प्लस सिक्स दिखाने की टेंडेंसी, सबसे ज्यादा अच्छी उसको स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी किसके पास है? टंगस्टन के पास। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है आपको जो याद रखना है। हैवियर एलिमेंट्स विल स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रादर देन लाइटर एलिमेंट्स। जबकि ऐसा ही केस आप देखते हो पी ब्लॉक में बिल्कुल उल्टा होता है। पी ब्लॉक वाले केस में जो हैवी एलिमेंट होते हैं उनका, उनमें कम ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है, और जो लाइटर होते हैं उनमें ज्यादा। इनर्ट पेयर इफेक्ट पड़ा है ना आपने, जैसे कि आप चले जाओ कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा प्लस फोर। सबके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब होता तो प्लस फोर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कौन सा इफेक्ट काम करेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट ने काम करना शुरू किया तो एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एस के इलेक्ट्रॉन फर्दर बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? जैसे ही आपका एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दे तो वो पेयर क्या हो गया? इनर्ट हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया, अब वो आगे काम नहीं करेगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ये इफेक्ट देखा गया है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सबके पास चार थे, लेकिन वो चार कब थे? जब एस के भी काम कर रहे थे और पी के भी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही साइज बढ़ा एस ने तो काम करना बंद कर दिया, अब एस के दो इलेक्ट्रॉन काम नहीं करेंगे। तो इनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? प्लस टू। जबकि आप देखो ये हैवी है और ये लाइट है, अब यहाँ कौन सी ज्यादा स्टेबल है? प्लस फोर। और नीचे की तरफ कौन सी ज्यादा स्टेबल है? प्लस टू। तो ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों में उल्टा केस चलता है,
यहाँ पर हैवियर एलिमेंट में लाइटर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और यहाँ पर हैवियर एलिमेंट में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। दूसरा, आप देखते हो आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ वेरी करता है, इट वेरीज बाय नंबर टू। जैसे ग्रुप 14 के अंदर प्लस 4 आएगा, प्लस 4 के बाद सीधा कौन सा आएगा, 2, प्लस 4 के बाद 3 नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ एक इफेक्ट काम करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं और प्लस 2 के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जबकि अगर आप डी ब्लॉक में देखो, मैंने अभी आपको मैंगनीज का बताया था, मैंगनीज में 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आप देख रहे हो ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक नंबर से ही वेरिएट कर रहे हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं है। तो पी में डिफरेंस कितने का आता है, 2 का, डी में डिफरेंस कितने का आता है, 1 का। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जैसे ही आप सीरीज में चल रहे हो, जैसे स्कैंडियम से जिंक तक गए, तो लगातार डी में एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार आप डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा रहे हो, इसीलिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितने नंबर से वैरी करेगा, सिर्फ 1 नंबर से वैरी करेगा। जबकि पी ब्लॉक में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं काम करता, वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करती है वो कितने नंबर के साथ करती है, प्लस 2 नंबर के साथ करती है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, एक पॉइंट यहाँ से आता है कि जिंक, आपकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है, और कई बार जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। जैसे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, आयरन, आप बना लो FeCO5 में आप देखोगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी यहाँ पर हैं कि जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपको यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगी। क्यों मिल रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस डिफरेंस इन द एनर्जी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस